गुजरात में थमती जा रही कोरोना की रफ्तार, रात्रि कर्फ्यू में ढील, गणेश उत्सव मनाने की भी छूट। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 28 मामले दर्ज हुए, जबकि मौत का एक भी आंकड़ा सामने नहीं आया। गुजरात के 23 जिलों में पिछले 24 घंटे में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया तथा राज्य में कहीं पर भी कोरोना से मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ। गुजरात में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 274 है। राज्य में अब तक 8,24,802 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 8,14,452 स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। सूरत महानगर पालिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7 केस दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 3, वडोदरा में 3, गांधीनगर में 2 तथा भावनगर में 1 केस दर्ज किया गया। राज्य में अब तक कोरोना से 10,076 लोगों की मौत हुई है। पिछले कई दिनों से राज्य में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। गुजरात के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले इस प्रकार रहे। दाहोद में 2, पंचमहाल में 2, अमरेली, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, साबरकांठा, सूरत एवं वडोदरा में 1-1 मामला दर्ज हुआ, जबकि अहमदाबाद, अरवली, आणंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, बोटाद, छोटा उदयपुर, डांग, देवभूमि, द्वारका, गांधीनगर, खेड़ा, कच्छ, महीसागर, मेहसाणा, नर्मदा, नवसारी, पोरबंदर, पाटण, राजकोट, सुरेंद्रनगर, तापी, वलसाड में कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोर कमेटी की बैठक के बाद राज्य के 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की और ढील बढ़ा दी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए निकाले जाने के बाद अब सरकार ने गणेश उत्सव मनाने की भी छूट दे दी है। गणेश उत्सव समारोह में 400 लोगों की सीमित संख्या में उत्सव मनाए जा सकेंगे। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।